हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली की वीडियो है, टैली ERP 9 की। और आज के इस वीडियो में हम कुछ खास सीखने वाले हैं, और क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर हम कोई एंट्री डेबिट नोट में पास करते हैं, ध्यान रखिएगा, डेबिट नोट में कोई एंट्री पास करते हैं या क्रेडिट नोट में एंट्री पास करते हैं, तो डेबिट नोट में कोई अगर आप एंट्री पास करते हैं तो पहले तो डेबिट नोट को एक्टिवेट करना होता है। तो कैसे एक्टिवेट होता है डेबिट नोट और कैसे एक्टिवेट होता है क्रेडिट नोट, दोनों ही की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट नोट को एक्टिवेट करके बताता हूँ। यहाँ से आप 11 प्रेस किया, यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और यहाँ से ये जो ऑप्शन है यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस कर दीजिएगा। बाकी के दो ऑप्शन नीचे के भी मैंने यस कर दिए हैं, अगर आपको डिस्काउंट देना है तो उसको भी यस कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर दिया। ये तो पहला स्टेप हुआ, ये कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं। दूसरा स्टेप यहां पर आते हैं, यहां पर वी प्रेस कर देता हूं। अगर कुछ हमने परचेज किया, लाइक परचेज वाउचर में ही एंट्री पास भी कर लेते हैं हम, तो यहां पर आए, यहां पर सप्लायर का इन्वॉइस नंबर दिया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, सप्लायर का जो इन्वॉइस नंबर दे रहे हैं उसी इन्वॉइस नंबर से हमें रिटर्न भी देना है, ठीक है। यहाँ पर 1 अगस्त में एंट्री पास हो रही है और यहाँ पर हम बात करेंगे रितेश होलसेलर पार्टी की, इन्हीं से हम सामान खरीद रहे हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर हम जनरली परचेज अकाउंट का लेजर दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि परचेज की बात है तो परचेज अकाउंट का लेजर दे देते हैं। फिर यहाँ पर बात करेंगे एक अलग स्टॉक आइटम की, यहाँ पर अर्सी करके लिख लेता हूं मैं, राइस, राइस की बात इस बार करेंगे हम, यहाँ पर केजी कर देते हैं। और यहाँ पर अगर जीएसटी अप्लीकेबल है तो इसको जीएसटी अप्लीकेबल ही रखेंगे, छोड़ देते हैं, यहाँ पे अलग से जीएसटी हमें लगाना नहीं है। 50 किलो चावल हम खरीद रहे हैं, 1 किलो चावल की कीमत 45 रुपए, 50 किलो चावल की कीमत यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी लगाना है हम लगा देंगे, तो सीजीएसटी हो गया और एसजीएसटी हो गया, दोनों हो गया, अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये तो परचेज वाउचर में एंट्री पास हो गई, लेकिन कभी कभी ये प्रोडक्ट खराब निकल जाता है, जो सामान लेके आए हैं बोरे का बोरा, जो खड़ा बोरा है वो पूरा बोरे में रखा चावल खराब निकल गया, ऐसे कंडीशन में रिटर्न करना पड़ता है। तो हम वहां पर जाते हैं, कहां पर, परचेज रिटर्न वाउचर में। परचेज रिटर्न वाउचर क्या होता है भाई, वी प्रेस करेंगे, यहां पर आपको मिलेगा डेबिट नोट। तो डेबिट नोट में आपको जाना है, अब यहां पर वही नंबर आपको एंटर करना है जो नंबर आपने दिया था, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आएंगे, देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है, यहां पर देखिए 4x9 है, तो यही इनवॉइस नंबर आपको एंटर करना है। तो यहां से वी प्रेस कर दीजिए और वापिस से आ जाते हैं डेबिट नोट वाउचर में, और यहाँ 4x9 यही हमारा इन्वॉइस नंबर था, सप्लायर का इन्वॉइस नंबर, वो एंटर कर दिया। 1 ही अगस्त के डेट में हम इसको रिटर्न भी कर देंगे, यहाँ पर उसी पार्टी का लेजर आएगा जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ये रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एंटर किया। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर हम जनरली लगा देते हैं, सही है, कोई गलत नहीं है, चाहे तो परचेज रिटर्न का भी लेजर आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, अल्ट सी करके लेजर बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है, ये लिख दिया परचेज रिटर्न, ओके। और परचेज रिटर्न लिखने के बाद एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, इसे अंडर परचेज अकाउंट डाल दीजिएगा, बस हो गया काम, परचेज अकाउंट में डाल दिया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो बस ये परचेज रिटर्न के नाम से आपका लेजर हो जाएगा, बाकी की सारी प्रक्रिया सेम है। राइस है, 50 किलो राइस हम लौटा दे रहे हैं, हम दूसरा राइस लेंगे इनसे, तो ये 50 किलो राइस लौटा दिया, बाकी इस पे जो जीएसटी अप्लाई हुआ था सेम जीएसटी इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आपका काम हो जाएगा बहुत आसान, ठीक है। यहाँ से इसको नो रखते हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं, यही एंट्री है, ठीक है। यहां पर परचेज रिटर्न का लेजर हमने लगा दिया, जब डेबिट नोट किया तो देख सकते हैं यहां पर परचेज रिटर्न आया हुआ है, ये परचेज रिटर्न, तो आप चाहे तो परचेज रिटर्न का भी लेजर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन डालिएगा उसको परचेज अकाउंट के ही ग्रुप में, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके।